कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं अस्त त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में चौथी बार सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी की राह अब आसान नहीं दिख रही है। सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल नहीं होने से अब की बार 200 पार का नारा सपना ही लग रहा है। इसी को देखते हुए पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के सामने मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती सत्ता बचाने की ही है। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद मोर्चा संभालने का मन बना चुके हैं। पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को राजनीति के दांव पे सिखाने के लिए अमित शाह 4 मई को भोपाल आ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह को रिपोर्ट मिली है कि राकेश सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में बदलाव की खबरों के चलते संगठन का ढांचा कुछ कमजोर हुआ है, जिससे जिन लक्ष्यों को पार्टी को अब तक हासिल कर लेना चाहिए वो अभी भी कोसों दूर है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अमित शाह की कोर टीम ने मध्य प्रदेश का दौरा एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कार्यकर्ताओं में क्षेत्रीय विधायक से लेकर मंत्रियों के कामकाज को लेकर भारी नाराजगी का जिक्र भी है। इसमें शाह अपनी बैठक में कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश देना चाहते हैं कि सभी गिले शिकवे भुलाकर मिशन 2018 में जुटने का वक्त आ गया है। साथ ही अमित शाह अपनी बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम करेंगे, ताकि सुस्त पड़ा संगठन चुनावी तैयारियों में जुट जाए, जबकि कांग्रेस हाईकमान के राजनीति के माहिर कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उपजे हालात को लेकर भी नई रणनीति बनाने पर भी विचार किया जाएगा। अब सवाल है कि क्या अमित शाह कांग्रेस की रणनीति को फेल करने के लिए बीजेपी संगठन में जान फूंक पाएंगे? सरकार के खिलाफ चल रही एंटी इनकमेंसी फैक्टर को जीत के फैक्टर में बदलने के लिए अमित शाह कौन सा फार्मूला कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं को बताते हैं? ऐसे में आज चर्चा कमल की कसरत के इसी मुद्दे पर। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। तो अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी संगठन की धड़कनें बढ़ी हुई है। इसी को लेकर सीएम को खुद मंत्रियों की बैठक बुलाकर कामकाज की समीक्षा करनी पड़ी। साफ है कि सीएम अमित शाह के सामने सरकार की कार्यशैली को लेकर उठने वाले सवालों को लेकर सतर्क रहना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी हाईकमान को लगातार सरकार, संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच संवादहीनता की रिपोर्ट मिलती रही है। साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस वक्त प्रदेश में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें बीजेपी से नाराज चल रहे SC/ST वोटर्स को मनाना, सरकार पर किसानों का भरोसा दोबारा पैदा करना, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरना सबसे अहम है। इसके साथ ही खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों के पेच कसना भी अमित शाह की प्राथमिकता में है। शाह संगठन और सरकार की कार्यशैली में भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि पिछले दौरे में शाह ने साफ कहा था कि मंत्री प्रभार वाले क्षेत्र में जाएं, कार्यकर्ताओं की सबसे पहले सुने, लेकिन अब तक शाह के फार्मूले पर कोई खास काम नहीं हुआ है। अब अमित शाह अपने दौरे में जीत का क्या मंत्र लेकर आते हैं, इस पर सबकी नजर है। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। तो मिशन 2018 में फतह हासिल करने के लिए बीजेपी आला कमान कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। 2018 में विधानसभा और 2019 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। यही वजह है कि अमित शाह 4 मई को भोपाल आ रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। अमित शाह शुरू करेंगे मध्य प्रदेश में चुनावी मिशन। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का टटोलेंगे मन। बड़ा सवाल, कांग्रेस की बदली रणनीति के बाद क्या होगा अमित शाह का सीक्रेट प्लान? विधानसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस ने मध्य प्रदेश संगठन को चाक चाबंद कर दिया है, वहीं बीजेपी की ओर से अब खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कमान संभाल ली है। मध्य प्रदेश बीजेपी को राकेश सिंह के तौर पर नया अध्यक्ष देने के बाद अब बीजेपी के चाणक्य प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए 4 मई को भोपाल आ रहे हैं। हालांकि अमित शाह का दौरा पहले से प्रस्तावित था,
लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस की बदली रणनीति के बाद बीजेपी को अपने चुनावी प्लान में फेरबदल जरूर करना पड़ेगा। भोपाल दौरे में अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में करीब 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी के करीब 58 जिला अध्यक्ष और 800 से ज्यादा मंडल अध्यक्षों को अमित शाह चुनावी मिशन को प्लान बताएंगे। कमलनाथ के मेगा रोड शो के बाद अमित शाह भी रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसी को देखते हुए बीजेपी ऑफिस में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में मंथन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के कामकाज को लेकर पेंच कसे। सीएम ने साफ किया कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मंत्रियों के बारे में कोई सवाल पूछेंगे तो मंत्रियों को खुद जवाब देना होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरा करने आ रहे हैं, उनके सवालों का जवाब देने के लिए सभी मंत्री तैयार रहें। सीएम ने कहा कि अमित शाह जो जिम्मेदारी सौंप कर गए थे उसका किसी भी मंत्री ने पालन नहीं किया है। साथ ही इस बार बीजेपी किसी हारने वाले पर दाम नहीं लगाएगी। सभी विधायकों का सर्वे करा लिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि अमित शाह ने अपने पहले के दौरे में मंत्रियों को क्या निर्देश दिए थे। सोमवार और मंगलवार को मंत्रालय में बैठें और सरकारी कामकाज निपटाएं, साथ ही निवास पर कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्या का समाधान करें। प्रभार के जिलों का दौरा करने जाएं तो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करें। कार्यकर्ताओं की समस्याओं को प्रशासन के सामने रखकर निपटारा करवाएं, साथ ही समय समय पर विधायकों के साथ संवाद भी करें। माना जा रहा है कि अमित शाह नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को विधिवत तौर पर लॉन्च करेंगे, क्योंकि राकेश सिंह के पदभार ग्रहण करने के वक्त सरकार के बड़े मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार नहीं पहुंचे थे। राकेश सिंह के अध्यक्ष बनने से संगठन में खींचतान बढ़ गई है, जिससे साफ है कि राकेश सिंह के अध्यक्ष बनने से पार्टी में कहीं न कहीं नाराजगी है। पदभार लेने के बाद राकेश सिंह ने अमित शाह से मुलाकात कर इसका जिक्र भी किया था, जिसके बाद अमित शाह का भोपाल आने का कार्यक्रम बनाया गया। साफ है कि अमित शाह मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन और पदाधिकारियों को संदेश देना चाहते हैं कि राकेश सिंह उनकी पसंद है। राकेश सिंह जो फैसला लेंगे वही पार्टी की लाइन भी होगी। इसके साथ ही पिछले दौरे में पार्टी पदाधिकारियों को दिए गए निर्देशों पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी समीक्षा भी अमित शाह करेंगे। इसलिए बीजेपी पदाधिकारियों की धड़कनें तेज हैं। साथ ही कांग्रेस के कमलनाथ और ज्योतिरादित्य को चुनावी कमान देने के बाद बने हालात को लेकर भी अमित शाह मध्य प्रदेश बीजेपी में फेरबदल को मंजूरी दे सकते हैं। अब देखना है कि पार्टी के चाणक्य अमित शाह अपने दौरे में अब की बार 200 पार के नारे को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए क्या प्लान बनाते हैं। साथ ही नॉन परफॉर्मेंस वाले विधायकों और नए चेहरों पर दाव लगाने के सीएम के प्लान पर क्या अमित शाह मुहर लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमित शाह कांग्रेस के गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की रणनीति का तोड़ निकाल पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की मजबूत घेराबंदी से बीजेपी गुजरात में 99 के फेर में फंस गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब मध्य प्रदेश में अब की बार 200 पार की हो चाह, संगठन और सरकार के बीच तालमेल से आसान नहीं हो रहा और मिशन 2018 को कामयाब बनाने के लिए खुद निकल पड़े अमित शाह, तो सवाल उठते हैं। कांग्रेस हाईकमान के कमलनाथ को कमान देने के बाद क्या मध्य प्रदेश बीजेपी को बदलनी पड़ रही है चुनावी रणनीति? गुजरात की तर्ज पर बन रही कांग्रेस की रणनीति का क्या बीजेपी निकाल पाएगी तोड़? शाह के दौरे को लेकर सीएम शिवराज को क्यों कसने पड़े मंत्रियों के पेंच? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री अनिल सौमित्र जी हैं संपर्क प्रमुख भाजपा के। अनिल जी आपका बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। भूपेंद्र जी आपका स्वागत है। अनिल श्रीवास्तव जी हैं और अवधेश भार्गव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कह रहे थे भूपेंद्र जी आप? विचार विभाग के अध्यक्ष। अच्छा, ये अभी नया हुआ है, लेकिन आज तो ये हुआ है कि जो प्रवक्ता थे वो प्रवक्ता बने रहेंगे? पहले भी हम विचार विभाग के अध्यक्ष। चलिए, तो अब ये लिखना बहुत लंबा हो जाएगा विचार विभाग। अपने बता दें प्रवक्ता, सही प्रवक्ता के रूप में ही आप बैठे हैं, अभी कोई बात नहीं। सौमित्र जी आपसे सवाल है, इसके पहले अमित शाह जी का दौरा तय हो चुका था, सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आना था उनको, लेकिन कल जिस तरह से कमलनाथ जी का रोड शो देखा, जगह जगह स्वागत देखा, उससे ऐसा महसूस हुआ कि कांग्रेस जिसको आप लोग कहते थे मृत प्राय है वो जीवित हो उठी। इसी कारण क्या आज भारतीय जनता पार्टी ने भी
जारी किया कि अब अमित शाह जी रोड शो करते हुए आएंगे, उनका जगह जगह कार्यकर्ता स्वागत करेंगे, खुली गाड़ी में आएंगे, क्या ये उसका प्रत्युत्तर में था क्या? देखिए त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी कभी देखा देखी काम करती नहीं, तो फिर ये क्या? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका पहले से ही कार्यक्रम तय था जी, और 3,500-4,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जी जो आमंत्रित करके बुलाए गए जी, और उसमें सब लोगों को पहचान पत्र के साथ बैठक के लिए बुलाया जा रहा है जी, तो उसमें अब 4,500 कार्यकर्ता अगर बैठना है तो कहाँ बैठेंगे और कहाँ होंगे? तो मुझे ये लग रहा है कि रोड बैठेंगे नहीं नहीं हाँ। तो अमित शाह जी कहीं से आएंगे तो सड़क मार्ग से ही आएंगे जी, और कोई भी नेता कहीं ऐसे आएगा सीधे, अगर आप कह देंगे साहब हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से आएगा फिर कह देंगे हवाई नेता, तो मुझे लग रहा है कि पिछले बार भी अध्यक्ष जी का प्रवास हुआ था तो एयरपोर्ट से वो वीआईपी गेस्ट हाउस, वहां से फिर दीनदयाल जी की प्रतिमा का अनावरण किया और उसके बाद फिर वो पार्टी कार्यालय आए थे, और उसके बाद देखिए एक एक मिनट के कार्यक्रम उनके हुए, तो कोई कांग्रेस की या किसी दूसरे दल ये कार्यक्रम पहले से नहीं था, आज जारी करने की क्या जरूरत है? रोड शो करते हुए, रोड शो करेंगे जगह जगह, खुली गाड़ी में आएंगे। त्रिपाठी जी मैं ये कह रहा हूँ कि रोड शो करने का जो तरीका बीजेपी पिछले बार भी हुआ था, खुली गाड़ी में आएंगे कि बंद, सुरक्षा के बहुत सारे कारण होते हैं जी, उसके माध्यम से, लेकिन कार्यक्रम पहले बना था जारी, आज अब हुआ होगा। अच्छा। जैसे मान लीजिए हमको हो सकता है एक दिन पहले पता चल गया, आपको मीडिया के लोगों को हो सकता है 2-4 घंटे बाद पता चलेगा, तो उसमें कार्यक्रम उनका जैसा तय है वो कोई कमलनाथ जी के आने के कारण या अध्यक्ष बनने के कारण कोई चीज तय हो जाए, अब हम अध्यक्ष बदलने के बाद हम अपना अध्यक्ष बदल देंगे, और ये आप देखिए हमारे अध्यक्ष पहले बन गए, तो आप ये इसको कहेंगे ना उसके बाद में बने? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो देखा देखी, अभी आप ये भी कहेंगे कि चूंकि महाकौशल से मैंने अध्यक्ष बनाया तो ना, ये हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पार्टी संगठनों के कार्यक्रम और उनके नियोजन में अपने रणनीति अपनी योजना के अनुसार होते हैं, तो कोई देखा देखी, हम तो कम से कम देखा देखी नहीं करते जी। भूपेन जी देखा देखी करते हैं? वो करते होंगे, वो बताएंगे, नहीं करते होंगे वो भी, वो बताएंगे, मैं उनके ऊपर कोई अपनी बात ही रखना, मैं अपनी पार्टी की बात रखा। चलिए सलाह तो बहुत सारे हैं, वो सवाल तो अभी और बहुत सारे आपके पास आते हैं। भूपेन जी आप देखा देखी काम करते हैं ऐसा ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ सवाल इस बात का है, बहुत बढ़िया सो रहा कल, इसमें कोई लगाए नहीं, आपका बहुत धन्यवाद जी, और प्रदेश की जनता ने उसमें शिरकत की सराहना, जनता ने नहीं की, कार्यकर्ता जो मतलब उसमें जनता भी थी, कार्यकर्ता भी थे, किसान भी थे, विद्यार्थी भी थे, सब लोग थे, और एक मध्य प्रदेश की आवाज, 7,000 में सब समाहित थे, 6-7,000 नहीं थे, आप थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अब आप सौमित्र जी को खुश करना चाहते हैं, आप अपर एस्टिमेट कर लीजिए, हम अपर एस्टिमेट हमारा जो है 30,000 का है। अच्छा, और इसमें जो है जी शो की जो सफलता थी वो तो हमारी, चलिए सवाल का जवाब ये नहीं, वो हमने आपको बधाई दी कि बहुत अच्छा शो रहा, थैंक यू। और इस शो के बाद अभी तक एक तरफ इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले से संगठन मजबूत है, बूथ लेवल तक कार्यकर्ता जोड़ने के लिए एक साल से इन्होंने तरह तरह की योजनाएं बना रखी है, कमलनाथ जी आज हैं, शायद कल चले जाएंगे, आज भी 4 दिन के प्रवास पर आए जी, वही मेरा कि इस प्रवास के आने से और एक शो कर देने से क्या आप भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन को तोड़ पाएंगे? देखिए ये राजनीति अनुमानों से नहीं चलती है, राजनीति सूक्ष्म विश्लेषण परीक्षण से चलती नहीं, है काम से चलती है जनता की। हम अपना जो है हम अपना परीक्षण कर रहे हैं और हमारी उस पर नीति सुस्पष्ट है जी। आज जो है कमलनाथ जी ने जो है करीब 4 कार्यक्रम किए हैं जी, वो जो है गुफा मंदिर में उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम उसमें गए हैं, उसके बाद वो उज्जैन गए महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो पीतांबरा के बाद जो है पीतांबरा पीठ के उन्होंने दर्शन किए हैं, अभी जो है विधायकों की वो बैठक ले रहे हैं विधायक दल की 8 बजे से, और उनके साथ उनकी लंबी चर्चा है जी। और इसी तरह से उनके कार्यक्रम लगातार चलेंगे, हम पूरी तरह से हम मैदान में उतर चुके हैं और उसके लिए हमारी पार्टी काम कर रही है जी। रही बात देखा देखी और इन सब चीजों की, तो मैं कोई ये नहीं कहना चाहता हूँ कि, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है दहाड़े जितनी मारती है जी, उसके बाद ये पूछ दबा के काम वही करते हैं, उसका कारण बता देता हूँ। जिस दिन राहुल गांधी जी ने जो है दलितों के घर भोजन करना शुरू किया जी, तो ये उसको फोटो सेशन बताते थे, उसकी आलोचना करते थे जगह जगह, आज घर घर खुद ही वो काम करते फिर रहे हैं। ये इनसे पूछें कि ये देखा देखी है कि क्या है, तुम तो इसको गलत ही मानते थे, इसको फोटो सेशन मानते थे। हम जब FDI की बात करते थे तो ये कहते थे कि देश बेच रहे हैं,
आज खुद ही एफडीआई 100% करते फिर रहे हैं, ये देखा देखी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। जब हम कहते थे कि हम जीएसटी लाना चाहते तो ये कहते थे कि देश बर्बाद हो जाएगा इस जीएसटी से। अब उसी जीएसटी को लाए हैं तो ये देखा देखी लाए हैं, जो खुद अपने दिमाग से लाए हैं, इनसे सब ये चीजें पूछे हैं। ये आधार को कहते थे कि आधार तो जो है पूरे विश्व में अपराधियों को और आतंकवादियों को देश में घुसेड़ देगा। ये तो कांग्रेस की ऐसी चाल है कि इससे आतंकवादी देश में कब्जा कर लेंगे, ये बताते थे। अब उसी आधार को हर जगह जो है शादी ब्याह से लेकर मोहब्बत के मामलों तक में जोड़ दिया है। तो ये जो है ये देखा देखी किया इनने कि बिना देखा देखी किया, ये तो यही बता सकते हैं। देखा देखी लेकिन बहुत लंबा खिंच जाएगा। लेकिन कांग्रेस जो है अनदेखी अपने अपने रास्ते पे काम करती है, कांग्रेस काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त घबराहट है और घबराहट के कारण ये जो है ये करवटें बदल रहे हैं और इसीलिए रोड शो हो रहा है और सारी चीजें हो रही हैं। और इनका भी जो है कल दिखाई पड़ जाएगी सारी चीजें कि जो 14 साल की सरकार है, हाँ। ये 14 साल की सरकार का डिस्प्ले क्या है? 14.5 हो गए, 14.5। मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि अमित शाह ने जो टास्क दिया था हमारे मंत्रियों को उन्होंने पूरे नहीं किया, आपका चैनल बता रहा है। और वो जो है उनका जवाब उन्हें खुद देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री उनकी जिम्मेवारी लेने तैयार नहीं है। तो प्रदेश में स्थिति क्या है? प्रदेश में स्थिति तो ये है कि जो है दलित वंचित वर्ग के प्रतियोगी उनकी छाती पर सील लगाई जा रही है कि तुम एससी हो। आज जो है लड़कियों का जो है पुरुषों ने मेडिकल टेस्ट कर लिया है आरक्षक की भर्तियों में, और लड़कों को लड़कियों के सामने अधनंगा करके खड़ा कर दिया है भिंड में। आज जो है होशंगाबाद में एसडीएम ने जो है महिलाओं को तमाचे जड़ दिए हैं और उनका घर तोड़ दिया है। ये जो अराजकता है प्रदेश के अंदर, कुल मिला के आप इनका जो निगेटिव है उसको उसके मथे हैं आपका, ये मथे नहीं है साहब, ये अराजकता है। आपके दफ्तर में आके अभी चार पुलिस वाले उधम कर जाए तो आप उसे मथे कहेंगे कि आप उसका प्रतिकार करेंगे? भाई इससे हम प्रतिकार कर रहे हैं उसका जनता की तरफ से, ये मथे थोड़ी है। ये जनता के साथ जो ये अत्याचार कर रहे हैं, जो दमन कर रहे हैं उसका प्रतिकार करने में हम साथ खड़े हैं जनता के। ये काम हमारा है, हम इसको कर रहे हैं। और ये चैनल वालों को भी डरा रहे हैं कि आपके दफ्तर में, ये साहब ये तो ये क्या कर दें, कुछ कोई पक्का भरोसा नहीं है ना साहब। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप भी इस आवाज में आवाज मिलाएं और जो है वक्त है बदलाव का। आप आवाज में आवाज मिलाने की बात कर रहे हैं, फिर ये भी बोल रहे हैं कि आपके यहाँ घुस जाएंगे चार पुलिस वाले, तो आप करना क्या चाहते हैं? आप बचाएंगे? वक्त है बदलाव का, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। पहली लाठी हम खाएंगे साहब और उसके बाद निकल लेंगे। नहीं निकलेंगे, आप पर लाठी नहीं आने देंगे। हम जब तक आपको फोन करेंगे कि आ गए हैं भैया लाठी खाने, तब तक बोले आ रहे हैं, तब तक यहाँ लाठी हो चुकी। खैर छोड़िए इस बात को, हमने आपसे सवाल जो किया था कि इस रोड शो के कर देने से और फिर चले जाने से क्या आप बता सकते हैं कि कमलनाथ जी का अगला कार्यक्रम क्या है? कमलनाथ, आप एक महत्वपूर्ण पद में बैठे कमलनाथ जी, हाँ, अगले मध्य प्रदेश में कब कदम रखें? कमलनाथ जी का जो है अगला कार्यक्रम लगभग जो है 10 दिवस का रहेगा। अभी 4 दिवस दस दिवस ही रहेंगे, अभी 6 महीने लगातार नहीं रहेंगे। अरे भाई तो एक ही जगह थोड़ी बैठे रहेंगे, पूरा प्रदेश है, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की बात है, अभी वो अगला कदम कब है? वो अभी ओरछा भी जाएंगे, अभी सारे डिवीजन में 10 डिवीजन में डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर मीटिंग करेंगे और वो सारे कार्यक्रम। हम आपसे सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि आप महत्वपूर्ण पद में कांग्रेस के बैठे हैं, अगले आपके प्रदेश अध्यक्ष अगली बार मध्य प्रदेश में कब पदार्पण करेंगे? मैं इतना सवाल कर रहा हूं। अभी आप 4 दिन की तो गतिविधियां देख लीजिए, अभी तो अभी आप तो 1 दिन में ही बिल्कुल हमारे आप टेस्ट लेने चालू कर देंगे। तो आप बिल्कुल ही नहीं झेल रहे, आप तो इतना तो सहयोग करिए, कम से कम 4 दिन इंतजार करिए, 4 दिन को कार्यक्रम देखिए। 2.5 दिन का कार्यक्रम था? नहीं, काहे को 2.5 दिन आए, आज रहे और कल चले जाएंगे। नहीं चले जाएंगे भाई, आप देखिए तो जाइए, कार्यक्रम मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। हम आपसे तारीख पूछ रहे हैं, आप बताने। खैर हमारे साथ श्रीवास्तव जी हैं, पत्रकार हैं, बड़ी समझ से टिप्पणी लेते हैं, लेकिन हमारे 2 दर्शक हमसे सवाल ले लेते हैं। सेवाराम जी सारा सवाल करें। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा सवाल श्री अनिल समुद्र जी से है जी, और गुप्ता जी के लिए एक सुझाव है जी। गुप्ता जी, मैं आप सुझाव आपको बाद में दूंगा, पहले कुछ प्रश्न अनिल जी से हो जाए। हमको भी सुझाव दे दीजिए कुछ सेवाराम जी। जी हाँ सर, हाँ भाजपा के अच्छे के लिए कुछ और सुझाव आप भाजपा को भी दे दीजिए, सिर्फ कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? शिवराम जी बोल रहे हैं 15 साल हो गए, आप सुझाव मत लीजिए जी। शिवराम जी, पिछलू में जो बातें हैं ना जी, उसमें से अगर कोई चीज अच्छी निकलेगी तो आपकी मुझ में जाएगी सर जी। मेरा सवाल यह है कि क्या भविष्य में कमलनाथ और सिंधिया जी की जोड़ी भाजपा पर भारी पड़ने जा रही है? दूसरी ओर एंटी इनकम्बेंसी के कारण भी भाजपा कमजोर दिख रही है। इसके अलावा किसान, व्यापारी, कर्मचारी,
कर्मचारी भी भाजपा से नाराज कर रहे हैं। ऐसे में क्या भाजपा का लगातार सत्ता में रहने का सपना चकनाचूर होने जा रहा है? क्यों कई लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों से कांग्रेस मजबूत होते दिख रही है सर? और दूसरे गुंडा जी, आपसे एक अनुरोध है कि जनता की नाराजगी को आपको भुनाना पड़ेगा सर। बिल्कुल सुझाव आपने दे दिया। सुमित्र जी, हम आपका सेवाराम जी का उत्तर आपसे बाद में लेंगे। एक और दर्शक है हमारे साथ, शिव देवांगन जी हैं, दुर्ग से ही हैं। शिव जी सवाल करें। शिव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सवाल करें। लगता है संपर्क नहीं पा जी। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश जी हैं। चंद्र प्रकाश जी साहब सवाल करें। हाँ त्रिपाठी जी नमस्ते जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक जी, ये तीन जहर से बुझे हुए तीर जी मध्य प्रदेश में ला करके ये कमलनाथ की छवि को बढ़ाएंगे या बिगाड़ेंगे? क्या जातिवाद का जहर फैलाना चाहती है कांग्रेस मध्य प्रदेश में? एक बात जी। दूसरा ये कह रहे हैं, गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई ये जो है दलितों के घर में राहुल गांधी खाना खा रहे हैं और इसी की देखा देख बीजेपी वाले कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सुनपेड़ में फरीदाबाद में जब उस वाल्मीकि समाज के बंदे ने इनको पीने के लिए पानी दिया तो राहुल गांधी ने पानी पीने से मना कर दिया, ऐसा दोगली राजनीति क्यों? और छोटा सा सवाल हो रहा है कि मैं ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन का सिपाही हूँ और ये भूपेंद्र जी हर बार मुझे आरएसएस का बंदा बताते हैं। अभी फिर बोलूंगा मैं। त्रिपाठी जी 64 साल की मेरी उम्र है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप सवाल करें, जवाब दूंगा इनका। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, राहुल गांधी जी लिख कर पढ़ कर मत बोले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आरोप है, 15 मिनट की बाजी हुई है। सवाल आपका नहीं सुना, समझ में आ रहा? अरे मैं वही सवाल कर रहा हूँ, 15 मिनट आप बिना पढ़े मेरे सवाल करेंगे बोल रहे हैं। चले, मोदी जी ने जो कहा कि 15 मिनट बिना लिखे पढ़े, यही सवाल है? हाँ ये सवाल है जी। तो क्या प्रधानमंत्री जी बिना पढ़े लिखे जवाब देंगे? चले, ये किससे सवाल है आपका, सौमित्र जी से कि भूपेंद्र जी से? नहीं भूपेंद्र से ना कुछ नहीं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब। चलिए, वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाएंगे तो ठीक है, आवाज उन्हीं को ट्वीट करिए जी। बिल्कुल भूपेंद्र जी, हम आपको पूरा मौका देंगे देवांगन उनका चंद्र प्रकाश जी का उत्तर देने के लिए। लेकिन अनिल श्रीवास्तव जी, आपकी यहाँ टिप्पणी, जो मैंने सवाल किया है भूपेंद्र जी से कि आ गए चले गए अब कब आएंगे पता नहीं। देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिन भर कार्यालय में बैठेंगे, जगह जगह घूमेंगे, इसी प्रदेश में रहेंगे, और दूसरी तरफ अगर आप दिल्ली आते जाते रहे तो उससे कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं होगा। रहा सवाल दूसरा, क्या अमित शाह जी का दौरा कार्यक्रम जिस तरह रोड शो पहले तय था, कमलनाथ जी के कहीं प्रत्युत्तर में तो नहीं है? नहीं, देखिए पहले सवाल का जवाब तो ये है जी कि कांग्रेस में अभी असमंजस की स्थिति है जी। कमलनाथ जी स्वयं स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कितने दिन में उनको प्रदेश का दौरा करना है, किन किन जगह करना है, किन किन जगह नहीं करना। अभी कांग्रेस के पास, प्रदेश कांग्रेस के पास केवल इसी उनके दौरे की जानकारी है, इसके अलावा दूसरी कोई जानकारी नहीं है। अगली जानकारी स्वयं कमलनाथ जी यहां भेजेंगे तब इनके समझ में आएगी कि अब ये कार्यक्रम है जी। दूसरी बात, अमित शाह जी का पहले का कार्यक्रम रोड शो का नहीं था, ये रोड शो का तो बाद में कमलनाथ जी का जो मेगा शो हुआ है उसके बाद इनका ये तय हुआ है कार्यक्रम। चूंकि इनके पास कार्यकर्ता है, सरकार है, तो महा मेगा शो हो जाएगा। जी 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 जी। पहली बार ये देखने में आ रहा है त्रिपाठी जी, ये भारतीय जनता पार्टी अभी तक कांग्रेस को बिल्कुल मिलवटा सन्नाटा में गिनती थी, पहली बार स्थिति हो रही है कि प्रबंध समिति की बैठक में शिवराज सिंह चौहान को ये कहना पड़ा कि अभी इनके देख ले जरा, उसके बाद स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर को यह कहना पड़ा कि अभी थोड़ा रुको, शाम तक की स्थिति देखने दो। स्थिति यह रही कि प्रशासनिक अमला तो जुटा ही रहा, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले भी दिन में 6 रिपोर्ट गई है पीसीसी में, वो सीएम हाउस में, कि इतनी स्थिति हो गई, अब इतनी स्थिति हो गई, अब इतनी स्थिति हो गई। मतलब पहली बार कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को यह सोचने पर विचार कर लिया कि अब आप अपनी रणनीति तय करें जी। क्योंकि पहली बार कांग्रेस टक्कर में आके दिख रही है, इनके मेगा शो ने निश्चित ही कांग्रेस को कम से कम टक्कर में तो ला दिया। आगे कितनी इनमें यूनिटी रहती है, किस ढंग से काम करते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है।
लेकिन फिलहाल की स्थिति में यह है कि कांग्रेस कमलनाथ जी के इससे मजबूत होकर उभरी है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कमेंट कसना उन्होंने चालू कर दिया। अब जैसे प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, वो कमलनाथ जी पर कमेंट्स कस रहे थे कि साहब ये तो धनबल वाले नेता लोग आ गए हैं। प्रभात झा जी ने कहा, प्रभात झा जी उनको आमंत्रित कर रहे हैं, जी जी उनको आमंत्रित कर रहे हैं। तो जगह 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 ये खुद डरे हुए हैं कि ये स्थिति क्या हो रही है। अब सवाल यही होता है कि राकेश सिंह जी स्वयं अभी तक समायोजित नहीं हुए हैं प्रदेश कार्यकारिणी में कायदे से देखा जाए तो, क्योंकि पहले किसी जमाने में जिस तरह के मुख्यमंत्री के और अरविंद मेनन जी की ट्यूनिंग थी, आज वो ट्यूनिंग नहीं है सुहास भगत से। ये भी एक वैकल्पिक व्यवस्था है, क्योंकि किसी की च्वाइस नहीं है, ना इस गुट की च्वाइस है ना उस गुट की, दोनों को साधने के लिए तीसरे आदमी को वैकल्पिक रूप से व्यवस्था कर दी। तो अभी तो इनको एडजस्टमेंट करने में काफी समय लग जाएगा। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी इस बार बैकफुट में फिलहाल नजर आ रही है। अब आगे अब की बार 200 पार तो किस तरीके से मैनेज करती है, ये आगे का समय बता। सोमित्र जी से हम पूछ लेंगे, लेकिन राघव जी महाकौशल से दोनों अध्यक्ष, महाकौशल में कौन भारी पड़ेगा? देखिए राकेश सिंह जी या कमल जी? देखिए राकेश सिंह जी का जो राजनीतिक जीवन रहा है उससे लंबा राजनीतिक जीवन। एक बार भार्गव जी एक सिरों से दर्शक है। हाँ, मनमोहन शर्मा जी सवाल सवाल करें जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। मेरा कहने का मतलब यह है सर जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। दोनों पार्टियों से सर मेरा, चलिए कि जिन जिन भी जो भी नेता या जो विधायक जो बनने जा रहे हैं जी, हाँ दोनों पार्टी के लिए सर मेरा। हाँ हाँ सवाल करें। जिन पे सर संगे अपराध चल रहे हैं जी, उन लोगों को क्या पार्टियां टिकट देंगी? अब ये तो खैर वो भी नहीं बताएंगे, आगे पार्टी वाले ही बता सकते हैं, दोनों के अध्यक्ष बता सकते हैं। बिलासपुर से एक और दर्शक है, आकाशवाणी जी सर सवाल करें। सर नमस्कार सर जी। सर बीजेपी वाले विकास के नाम पे वोट मांगते हैं सर जी, तो लेकिन आज आप देखेंगे बिलासपुर रायपुर 8 साल से जो 4 लेन 6 लेन बन रहा है, 8 साल हो गए सर, अभी तक के वो बन नहीं पाया है जी सर, तो विकास कहाँ हो रहा है सर? जी 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 बिल्कुल, भूपेन्द्र जी खुश होगा जी, अवधेश जी आपकी टिप्पणी जी। जहाँ तक कमलनाथ जी का सवाल है, लंबा राजनीतिक जीवन है जी, और मुझे याद है कि 1977 में जब चुनाव हुए थे आपातकाल के बाद जी, वहाँ भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस की सीट जीती थी, हालांकि कमलनाथ जी नहीं थे उस समय, 80 में कमलनाथ जी आए छिंदवाड़ा से जी, लेकिन छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस की रही और वो कमलनाथ जी ने उसको आखिर तक बरकरार रखा जी। अब ये देखें कि छिंदवाड़ा का विकास उन्होंने किया, छिंदवाड़ा छोटी सी जगह है। राकेश सिंह जबलपुर से आए, इनकी पृष्ठभूमि, अभी जैसे ही वो अध्यक्ष बने मीडिया के प्रति उनका कुछ रुख दिखा, कुछ दूसरे गुटों के प्रति रुख दिखा। अगर कोई अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर नहीं चल सकता है तो पार्टी कार्यकर्ता भी उसका सहयोग नहीं करते हैं, और बीजेपी में ऐसी अंदरूनी खलबली है। कमलनाथ जी का जहां तक सवाल है, जब ये एयरपोर्ट में उतरे तो वहां क्या हुआ, यानी कांग्रेस ने मेगा फोटो कर लिया है, आप देखें अच्छा अच्छा सबको दिखता है जी, जो कुछ नकारात्मक है उसमें ना तो ये मनन करना चाहते हैं कांग्रेसी, और ना ही जो सत्ता पक्ष है उसका लाभ उठाना चाहता है। वहां नारे लगते हैं अब की बार सिंधिया सरकार, वो सबने दिखाया भी है। हाँ सबने दिखाया भी है जी, यानी जब आप सर्वसम्मति से आ रहे हैं, कांग्रेस को पुनर्जीवन देने आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आ रहे हैं, तो फिर वहां ये नारा क्यों? और नारे को जब रोका गया तो आपस में जूतम पैदा क्यों? आपने रोड शो किया, अब अमित शाह का रोड शो सत्ता पक्ष कर रही है, परेशानी किसको होती है? कल पूरा भोपाल 8 घंटे आप ये मान के चले कि ट्रैफिक में कैद रहा। अब 4 तारीख को अमित शाह जी के लिए फिर भोपाल की जनता को वही परेशानी होगी। अरे प्रकृति भी नाराज है तुमसे, तुमने मेगा शो करके जनता को परेशान किया। शाम को इनका जो सूचना प्रकाशन का टावर है यानी जनसंपर्क, वहां पर एक टावर गिर गया, कारों के ऊपर गिर गया, इनकी कांग्रेस की जो रैली में कारें आई थी उन पर गिर गए, उनमें लोग दबे।
और जहां तक सत्ता पक्ष, मैं आपसे सवाल, मेरी आपकी टिप्पणी आप समझे नहीं। नहीं मैं समझ गया, महाकौशल में कौन भारी पड़ेगा? महाकौशल में कमलनाथ भारी पड़ेगा, इसलिए 42 सीटें लगी हैं। हाँ 42 सीटें लगी हैं और कमलनाथ पहले भी असर डालते रहे हैं और महाकौशल में राकेश सिंह के वनस्पति कमलनाथ भारी पड़ेंगे, इसलिए भारी। उनका लंबा राजनीतिक जीवन है, अनुभव है और एक एक कार्यकर्ता जानता है, हर आदमी पहचानता है जी। और राकेश सिंह जी का इतना जनसंपर्क भी नहीं जी जी, और कुछ छवि का भी ध्यान आता है, कुछ गांधी परिवार का भी लाभ उनको मिला, कांग्रेसी कार्यकर्ता खुल के दिल से उनके साथ रहता है, खासकर छिंदवाड़ा और महाकौशल क्षेत्र का। चलिए तो वहां वो भारी पड़ेंगे। समिति से बात है कि भूपेन्द्र जी आप कुछ कह रहे थे, एक सवाल ये आया है कि क्या यहाँ जातिवाद का जहर नहीं बोने की तैयारी है? उन तीन लोगों को गुजरात में नाम नहीं लेना चाहता हूँ लाके, ये सवाल हुआ। देखिए वो जो सज्जन ने प्रश्न पूछा है, उन्हें पहले तो आपत्ति थी कि मैं उन्हें संघ का आदमी कहता हूँ जी। अगर वो संघ के आदमी नहीं है ये वो स्वयं सिद्ध करें जी, तो संघ के आदमी नहीं है तो उन्हें ये क्यों नहीं दिखाई पड़ता है कि योगी जब दलित के घर जाते हैं तो उसकी गाय तक को शैंपू से धुलवाते हैं, उसके घर में पहले जो है शैंपू साबुन भेजते हैं और दलित को स्नान करना पड़ता है, और उसके घर में जो है पोंछा लगवाकर टाइल्स लगवाकर वहां पर कालीन बिछवाए जाते हैं, और कालीन बिछवाने के बाद फिर जो है एक धुली पुछी अपने एक मंत्री जी को जो है कैबिनेट मिनिस्टर को स्वर्ण वर्ग की उनके घर में लाया जाता है, उनके किचन को धोया जाता है, और किचन में जो है वो स्वाति सिंह जी से खाना बनवाया जाता है, उस खाना को जो है नए बर्तन बाजार से मंगवाए जाते हैं चांदी के, जिसमें योगी साहब भोजन करते हैं। ये जो समरसता का ढोंग और पाखंड भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ता अगर आप संघ के आदमी नहीं है? आपको राहुल गांधी ने जो है बोतल का पानी नहीं पिया ये दिखाई पड़ गया, इतनी छोटी सी बोतल लेकिन आपको इतना बड़ा तमाशा दिखाई नहीं पड़ रहा कि गाय भैंस तक को वो शैंपू से धुलवा रहे हैं? और ये इसीलिए आपको जो है मैं कहता हूं कि आप जो है ये इसी मानसिकता से आप सवाल पूछते हैं। और आपको दूसरा सवाल इन्होंने क्या पूछा था? वो माफी याद रखिए, अगर उनका दूसरा सवाल मैंने आपको याद दिला दिया तो आप और 15 मिनट नहीं नहीं हम आपके समय ज्यादा नहीं लेंगे, आप बता दें जाति वाला ही काम, जाति वाला, जाति वाले में ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक मीटिंगों में सार्वजनिक बैठकों में चुनाव के दौरान ये कहता है कि मैं तेली समाज का व्यक्ति हूँ, मैंने जो है इसको दलित आदमी को जो है राष्ट्रपति बना दिया है, तो ये जिसको आप जहर कह रहे हैं वो जहर आ कहां से रहा है? ये आपको जहर क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? जिग्नेश की क्या हैसियत है एक प्रधानमंत्री के सामने? जब इतने बड़े स्तर से ये जहर फैल रहा है तो जिग्नेश मेवाणी तो उसका बाई प्रोडक्ट है। और ये ध्यान रखिए आपके संविधान ने आपको ये कोई अधिकार नहीं दे दिया है कि आप किसी को जहरीला कहें, वो अधिकार इस भारत के नागरिक हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी आ सकते हैं, और आपको उनकी विचारधारा से परेशानी है तो ये सरकार क्या कर रही है? भूपेंद्र जी अगर बीजेपी गलत कर रही है, जातिवाद बता रही है कि हमने दलित राष्ट्रपति दे दिया हम तेली समाज से हैं, तो आप भी वही करेंगे? कौन कर रहे हैं आज भी वो हमें क्या नहीं आप क्या, भी, आप भी करेंगे क्या? कांग्रेस के सिद्धांतों में हार्दिक पटेल मैं हूँ क्या? हार्दिक पटेल कांग्रेस है क्या? उसको जीने का अधिकार नहीं है इस भारत में क्या? आज जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस है क्या ये बताइए ना आप, कांग्रेस से क्यों थोप रहे हैं इस बात को? लेकिन अल्पेश तो है, अल्पेश है तो कौन सी जातिवाद फैला रहा है बताइए आप? हाँ? एक बयान बताइए उसका, ये झूठ एक जो है एक ये प्रचार तंत्र चल रहा है आरएसएस का कानाफूसी जो तंत्र है वो इस बात को फैला रहा है। वहाँ अल्पेश जी कहाँ पर कांड हो गया? पूना में, महाराष्ट्र में। हाँ तो कांड होगा, आप दलितों को जिंदा मारेंगे लाते मारकर तो वहाँ जाएगा नहीं कोई? वहाँ अल्पेश नहीं गए थे? वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए? वहाँ हमें भी जाना चाहिए था, हम नहीं पहुँच पाए। और वहाँ जहाँ सवर्ण समाज के खिलाफ जहर नहीं बोया वहाँ पर बोया बताइए आप? उनके भाषण नहीं हुए? कोई भाषण नहीं हुए आप बताइए, भाषण बताइए अभी आप, एक भाषण बताइए। ये भी झूठ है और आप इससे क्यों प्रभावित है मुझे नहीं मालूम इस झूठ से। आप इस सच को स्थापित कर दीजिए कि उसने जो है किसी के खिलाफ जहरीला भाषण दिया है। आप सिद्ध कर दीजिए, एक भाषण दिखा दीजिए कहीं से खोज के ला। वहाँ पे सवर्ण समाज के खिलाफ जो उन्होंने बोला है कुछ नहीं बोला है, ये आप धारणा बना रहे। आप एक भाषण सुना दीजिए ना, भाषण आप सुना दीजिए, मैं आपसे मान लूंगा। आपको अगर आप एक भाषण सुना देंगे मैं मान लूंगा जी। आप अरे आप मत मानिए, आप तो मानने वाले नहीं है, पर जी
ये भाषण कोई किसी का भाषण क्यों सुनाएगा? YouTube पर सारे भाषण दर्ज। YouTube पर आपके मैं 100 भेज देता हूँ, आज सुन लीजिएगा। और उसका आपको एक मिल जाए तो मुझे भेज दीजिएगा। भेजने की जरूरत नहीं है, सब उपलब्ध है। जो तीनों नाम आ रहे हैं उनका गुजरात का काम खत्म हो गया। देखिए अब वो गुजरात में सक्रिय नहीं है। गुजरात में जितना काम करना था उन्होंने कर दिया है। गुजरात की सारी समस्याएं अब खत्म हो चुकी हैं। अब फिर चुनाव के समय जहां जहां चुनाव आएगा वो जो तीनों तिकड़ी हैं वो उनके काम मध्य प्रदेश में चुनाव है वहां आएंगे। राजस्थान जी को ये नहीं दिख रहा है हार्दिक पटेल पाटीदारों को आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं? अब भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजरों और जाटों के लिए मांग कर रहे हैं, उन्हें आप क्या बोलेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ, सवाल बोल रहा हूँ पार्टी, सवाल खड़े करिए ना। बेहतर क्यों कर रहे हैं? हम दोनों उनसे भी एक सवाल करने जा रहे हैं। सवाल हम जगह जगह हरियाणा जलवा दिया आपने, तब आपने ये सवाल नहीं किया कि आप ये आरक्षण की मांग कर रहे हैं? पूरा हरियाणा जला दिया बच्चियों के साथ, तो आप बलात्कार हुए कौन थे? सैनी साहब, इनके मंत्री महोदय जो सड़कों पर भूपेन जी के हमें क्या सवाल करते हैं? श्रीमान जी तो ये बात भी साथ में कहिए ना, आप अकेली इतनी सी बात कहते हैं उसमें लगा दीजिए। आपसे दर्शक ने किसी ने सवाल किया जिसपे आपने उत्तर दिया। हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर जातीय राजनीति कर रही है तो क्या आप भी करेंगे? कांग्रेस में कहाँ है भाई? तीन नाम उनने लिए, उनमें दो कांग्रेस के हो गया। एक मिनट, आपके प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ से फोन आ गया है सौसर से। जी रितेश जी स्वागत है, सवाल करें। रितेश जी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर संपर्क। हाँ सुमित्र जी, देखिए मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपन हार्दिक हैं, जिग्नेश नहीं है। अपन मुद्दे से क्यों नहीं, मैं तो अपन यहाँ प्रदेश की बात करें। नहीं, देखिए ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि जैसा मैंने कहा कि अब वो जो तीन लोग हैं गुजरात से संबंधित हैं, गुजरात से उनका काम खत्म है, अभी वो मध्य प्रदेश में आएंगे, राजस्थान जाएंगे, जहां जहां चुनाव है वो उनकी भूमिका कांग्रेस समर्थित होगी। देखिए चुनाव की रणनीति होती है, स्वीकार करें कांग्रेस के लोग। और इन्होंने भूपेन्द्र जी ने कई बार स्वीकार किया है कि हाँ हमारा एक तो हमारे विधायक हैं और दो लोगों को हमारा समर्थन है। तो मुझे ये लग रहा है कि उनके भाषण से, उनके जो वक्तव्य हैं उनको या तो ओन करिए या डिसओन करिए। आप ये कहिए कि हाँ हमारे उनके जो भी भाषण है अच्छे हैं बुरे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अच्छे भाषण हो सकते हैं। जिग्नेश बहुत अच्छा भाषण करते हैं, कांग्रेस के पक्ष में करते हैं, देश के विरोध में करते होंगे या जो भी करते होंगे, पर आप उसको या तो ओन करिए या डिसओन करिए। मेरा ये कहने का मतलब है, ये एक छोटा सा सवाल, आप अपनी कैबिनेट मंत्री का ये बयान ओन करते हैं क्या कि जो है दलितों के घर में इसलिए भोजन नहीं करती क्योंकि मैं उन्हें पवित्र नहीं कर सकती, वो अपवित्र हैं, इसको आप ओन करते हैं? मैं ओन करिए, मैं डिसओन करता हूँ, डिसओन करिए कैबिनेट की पार्टी। फिर आप कैबिनेट में क्यों रखे हुए हैं ऐसे लोगों को? देखिए आप बताइए ना, ये सवाल है आपके ऊपर। आप जो है दोनों हाथ आप उठाएंगे भूपेन जी, आप ये कहिए, बताइए ना आप क्यों करेंगे? आप क्या क्या पहले दलित अपवित्र और उन्हें पवित्र करने की आवश्यकता पड़ गई? जवाब वो तो स्वीकार करिए ना। उन्होंने ये कहा उमा भारती जी ने कि हम दलितों के घर जाके भोजन नहीं, हम दलितों को अपने रसोई में बिठा के भोजन कराएंगे, क्योंकि हम भगवान राम नहीं है। हाँ उन्होंने ये कहा कि हम भगवान राम नहीं कि उन्हें पवित्र कर दे। हाँ तो इसका मतलब वो अपवित्र हैं क्या? नहीं, अरे ये ओन करिए, आपकी पार्टी का बयान है तो ओन करो। मैं कह रहा हूँ ना, अब आप कह रहे हैं कि आप दो ही सवाल, मैंने दो विकल्प दिए कि आप या तो ओन करिए या डिसओन करिए। आपने कहा कि उमा जी का ये बयान है, तो मैंने कहा उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी इसको डिसओन करती है। मैं कह तो रहा हूँ कि उनका जो वक्तव्य है पार्टी का स्टैंड नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष जी और बाकी सब जगह जाके जो समरसता भोज है या जो उस वर्ग के लोग हैं उनके यहाँ भोजन कर रहे हैं, उनके साथ जो भी साथ में मेल मुलाकात की बात है, उनके साथ संवाद की बात है, वो सब कुछ हो रहा है। उनका ये कहना था घर में सवर्ण मंत्री से भोजन बनवा रहे हैं आपके मुख्यमंत्री, इसकी आप निंदा करते हैं? निंदा क्यों करिए ना, अरे भगवान आप दलित से हाथ खा रहे हैं, खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं? सुनिए, कहाँ खा रहे हैं? बटरफ्लाई बजाज खाने दीजिए, इसको बोलो ना, भूपेन्द्र छोटी छोटी कार्यकर्ताओं ने बनाया। सौमित्र जी, भूपेन्द्र जी मुद्दे पे आते हैं। सौमित्र जी हमारा सवाल आपसे इस मुद्दे को अलग करिए, मुख्यमंत्री जी को ये कहने की जरूरत क्या पड़ रही है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि भाई सबकी रिपोर्ट कार्ड आ गई है, जो विधायक हार रहे हैं
वो उनके टिकट कटेंगे, कई मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत कमजोर है, मंत्री अपना खुद अमित शाह जी के, मतलब कांग्रेस से ज्यादा डर अपने ही अध्यक्ष से लग रहा है। नहीं डर की बात नहीं, देखिए मैं फिर कहूँ, एक तो वो और अमित शाह जी ने जो आपके बता गए थे पिछली बार, उसमें किस मंत्री ने पालन किया जरा आप बता देखिए। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ जी, और कई चीजों के लिए जवाबदेह हूँ जी। तो मुझे जो अनिल जी कह रहे थे जी, वो मुझे जानकारी नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को और मंत्रियों को नहीं, नहीं ये तो सारे उसमें छपा, कोई खंडन नहीं आया, सारे चैनल कोई खंडन नहीं आया। अरे मैं ये कह रहा हूँ सब बातों का खंडन का, मैं यहाँ कह रहा हूँ ना कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अनौपचारिक बातचीत में अगर विधायकों के साथ मंत्रियों के साथ उन्होंने बात कही है कि भैया आपको जो असाइनमेंट है, आपको जो काम है, जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी, जो बातें मैं आपसे यहाँ पर शेयर करता हूँ, उसका पालन कितना हो रहा है, इसका हिसाब किताब रखिए। तो ये इसमें क्या बुराई है, कार्यकर्ता से पार्टी के जो पदाधिकारी है वो बातचीत करते हैं कि भाई आपको जिम्मेदारी दी थी बूथ स्तर पर ये काम करना है, मंडल स्तर पर ये काम करना है, तो हिसाब किताब तो मांगेंगे ना। हाँ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो वो करिए भाई, भाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना होती है। वही कह रहा हूँ, तो अवहेलना करेंगे तो भुगतेंगे, मैं ये कह रहा हूँ ना। फिर सीधी बात है, जो अवहेलना करेंगे, मुझे कोई काम दिया है नहीं कर पाऊंगा, तो देखिए अच्छा काम करूंगा तो पुरस्कार मिलेगा, नहीं करूंगा तो दंड का भारी बसूंगा, सीधी सी बात। भैया अनिल जी, अनिल जी श्रीवास्तव जी स्वीकार कर रहे हैं हमारे सौमित्र जी के भैया नहीं किया है तो भुगतेंगे। आपको लगता है क्या कि जो अमित शाह जी दे गए थे आज सारे समाचार पत्रों में, चैनलों ने भी दिखाया कि क्या बिंदु थे जो उन्होंने किया था, आपको लगता है कि उनकी किसी भी बात को तवज्जो दी गई है? मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सवाल करेंगे और सवाल करेंगे जवाब खुद आप दीजिएगा। उन्होंने कई निर्देश देके गए थे पिछले अपने दौरे के दौरान, लेकिन ना तो वो मंत्रियों ने, जैसे उनका निर्देश था कि सोमवार और मंगलवार को आप वल्लभ भवन में आवश्यक रूप से बैठे, वो किसी भी मंत्री ने पालन नहीं किया। दूसरा उनका आदेश था कि जब आप अपने प्रभार वाले वहां पे जाए तो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग लें। प्रभार वाले जिलों में महीनों महीनों नहीं जा रहे, वहां पर भी वो भी वहां पर भी ये मतलब इनका मामला गड़बड़ हो गया। अब वो आके क्योंकि नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 200 पार, और उनको स्थिति दिख नहीं रही, एक तो एंटी इनकम्बेंसी, दूसरे कमलनाथ की ताजपोशी, तो कुल मिला के ये है कि वो इसीलिए यहाँ पर आ रहे हैं कि पूरी कमान अब अपने हाथ में संभालें। प्रदेश के प्रदेश संगठन तो उनका कोई अब मुख्यमंत्री में उनका इतना वो भरोसा अब नहीं रह गया, इसलिए कमान अपने हाथ में संभाल रहे हैं। सारे जिला अध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को, लगभग 800 मंडल अध्यक्ष हैं, सारे 51 जिले हैं, शहर हैं, ग्रामीण, उन सबको बुला के वो चर्चा करेंगे। वो स्वयं चाह रहे हैं कि हम अब बूथ स्तर तक पहुंचे, किस तरीके से अपने 200 पार ना हो लेकिन सरकार चौथी बार हम फिर से बना लें, उस कवायद में जुटे हुए हैं। वो तो वहां भी 150 पार नारा दिया था। जी जी जी, अब 99 पार हो गए। अब सबसे बड़ी, हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश संगठन इस बात से परेशान है, पिछले बार भी आप देखिए कि कमलनाथ जी को हराने के लिए मोदी जी से कह कह के प्रदेश संगठन, स्वयं मुख्यमंत्री थक गए कि आप छिंदवाड़ा दौरा करें, बावजूद इसके मोदी जी वहां नहीं गए। वो जिन कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कमलनाथ जी भी जुड़े हुए हैं, और वहां से उनका वीटो हुआ, आज भी वही स्थिति बनी हुई है कि कमलनाथ जी के घर कोई घुसने के लिए तैयार नहीं। ये सबसे बड़ी चिंता है, हाँ यही चिंता सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की है कि इनको देखिए स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी मोदी जी का चेहरा यहाँ पे ला करके जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। मोदी जी इस समय जिताऊ चेहरा है, जहां जाते हैं जीत उनके धुनी में आती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कमलनाथ जी के खिलाफ मोदी जी को कैसे उतारा जाए, कैसे लाया जाए, ये सबसे बड़ा टेंशन आ रहा है जी। भार्गव जी अब क्या स्थिति बनेगी, आज की स्थिति क्या है? किसान नाराज ये आप भी जानते हैं, सुमित्र जी हम आपको उत्तर देने का पूरा मौका दे, किसान नाराज आप भी जानते हैं, जो प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा है वो बहुत ज्वलंत मुद्दा है, घर घर में वो पहुंच चुका है, उसके कारण न दलित खुश है न सवर्ण कर्मचारी खुश है, न दलित कर्मचारी न सवर्ण कर्मचारी, रिटायर हो जा रहे हैं, भले आपने 62 साल कर दिया हो वो ठीक है, घोषणाओं के ताबड़तोड़ घोषणाएं हो रही हैं कि इस कर्मचारी को नियुक्त कर दिया, वेतनमान दे दिया, सारी चीजें। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी, क्या आपको लगता है, आपकी बात 200 पार तो अलग मुद्दा है, वो जोश भरने के लिए है, क्या फिर से चौका लगा पाएगी या कमलनाथ जी के आने के बाद स्थिति उल्टी हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्थिति में ज्यादा बदलाव आएगा जी। कमलनाथ जी के आने से कांग्रेस में जान तो आएगी और आई है,
जी ऑक्सीजन मिल गई है, लेकिन अगर चुनाव हार गए तो जान उन फिर नहीं नहीं, ये देखिए तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन नहीं, तो आपसे बोल रहे हैं कि आप भविष्य को कैसे देख रहे हैं, आप यहाँ राजनीति देख पा रहे हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिक भविष्य बताए, मैं देख रहा हूँ जी कि सत्ता पक्ष से आम जनता बहुत नाराज है, क्योंकि रोजमर्रा की वस्तुएं महंगाई जी, उसके बाद पेट्रोल की किल्लत जी, उसके बाद यानी हर कदम पर परेशान है जी, लेकिन उसके बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी से स्नेह करती है। अब आप जब भी उनसे कहेंगे कि वोट तो तुमने ही दिया था जी, सरकार तो तुम ही लोगों ने बनवाई थी, भुख तो वो तो नहीं कुछ भी है, मुख्यमंत्री तो मेहनत कर रहा है 24 घंटे में 18 घंटे भाग दौड़ कर रहा है जी, और पूरा ठीकरा जो है वो अधिकारियों पर फूंकता है। तो एक तो सत्ता पक्ष को इसको बरकरार रखना है जी, कि बीजेपी ने तो अच्छा काम किया है, तब तो बीजेपी की चौथी बार सरकार बन सकती है, और कुछ कांग्रेस अपनी गलतियों से बनवाई, किसान नाराज है तो ब्यूरोक्रेट्स पे डाल दिया, हाँ ये सरकार पे नहीं आएगा, नहीं सरकार पे कहाँ से आएगा, सरकार तो कह रही है हम समर्थन मूल्य में ले रहे हैं, आपको भावांतर दे रहे हैं, और भाव का अंतर भले ना मिला हो उनको, भुगतान ना हुआ हो, बैंक में पैसा ना हो, मान लीजिए सौमित्र जी आपका काम भार्गव जी कर रहे हैं, नहीं सौमित्र जी एक मिनट, भार्गव जी कर रहे हैं सौमित्र जी आप एक मिनट वो उसी तरह बोल रहा है, पैसा किराए शर्माथे पे लेकिन नाला वहीं से बहेगा, किसान नाराज पब्लिक नाराज, पैसा नहीं है लेकिन फिर भी स्नेह बना, लेकिन कारण है, कारण है उसका, कारण है उसका, कारण है जी कि कांग्रेस की कभी भी स्पष्ट नीति ये नहीं रही कि वो सवर्णों के प्रति या गरीब लोगों के प्रति क्या करना चाहती है जी। बीजेपी की एक भूपेंद्र सुनते रहिएगा, हाँ सुनिएगा भूपेंद्र जी, आप भी सुनिएगा, जो कांग्रेस की खामियां रही हैं वो बता रहा हूँ, उसका उत्तर भूपेंद्र जी देंगे, हाँ भूपेंद्र जी देंगे, मैं तो मीडिया की नजर से बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा मीडिया कुछ बहका बहका दिख रहा है यहाँ नहीं बहका नहीं है, यथार्थ जो है यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, चलिए यथार्थ से सारी नाराजगी के बाद भी इसने बरकरार है, इसने इसलिए बरकरार है कि विकल्प नहीं है, आप जब आपस में लड़ेंगे, आपने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, चलिए पांचवा महासभा कर लीजिए, भूपेन जी हमसे नहीं पूछेगा कि आप कुछ और इनने कहा है क्या, नहीं नहीं आप नोट कर लीजिएगा, आपसे तो हम साहब जो है आनंदित होते रहते हैं, नहीं भूपेन जी से तो हम ऐसे बहुत कुछ कहते रहते हैं, नहीं नहीं अब यहाँ ये जनता सुन रही है, नहीं तो यहाँ ये आधिकारिक तौर पर कहना है, हाँ आधिकारिक तौर पर समीक्षा हो रही है, आधिकारिक तौर पर समीक्षा हो रही है कि रणनीति तो बहुत अच्छी लाए हैं कांग्रेस वाले, कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष 4 क्षेत्र बना दिए, 4 क्षेत्रों के लिए महाकौशल के अध्यक्ष हो गए, यदि अगर ये ईमानदारी से पूरे मन से प्रयास करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस यहाँ सरकार नहीं बना पाएगी, बना अब आप पलट गए, नहीं एक मिनट सुनिएगा लेकिन ये एक नहीं रह पाएंगे, जैसे पंजे की 5 उंगलियों को आप बराबर करना चाहेंगे तो झुकाना पड़ेगा, लेकिन इसमें झुकने को कोई तैयार नहीं, राजनीतिक भविष्यवाणी ये है, राजनीति नहीं हो पाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे, बताइए भूपेंद्र, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, भूपेंद्र जी भार्गव जी की जो मीडिया की नजर से देखिएगा, नहीं मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ भूपेंद्र जी, आप जानते हैं भार्गव जी की जो कामनाएं हैं जी वो कामनाएं इसलिए अधूरी रह जाएंगी, जो है हाथ की उंगलियां बराबर करने की चेष्टा जो लोग करते हैं जी वो लोगों के तरफ से वो आज बोल रहे हैं जी, हम लोग तो जो है ये जब मुट्ठी बांधते हैं तो अपने आप उंगलियां एक हो जाती हैं और इसमें जो शक्ति भी आ जाती है, तो हम लोग जो इन 5 उंगलियों को मुट्ठी बांधते हैं, हमने बांध ली है, पंजा कैसे काम कर रहा है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, पंजा तो खुले मुट्ठी में है, खैर उनसे इस बात का 4 कार्यकारी ये हमने बांध ली है और हमारी पार्टी जो है इस पर काम कर रही है। चलिए मैं आपको एक हम जो है आपको अपनी सिर्फ इतनी सी बात सुना दें, साथ में एक बिंदु पे भी आप गौर फरमा लीजिएगा, वो ये है कि गुजरात की तर्ज एक जगह कहीं सफलता मिल सकती है एक रणनीति की, उसी रणनीति पे हर जगह सफलता नहीं मिलती है, 4 कार्यकारी जब अध्यक्ष बनाने की जरूरत क्या पड़ी आपको इस पर भी बता दीजिएगा, बाकी भार्गव जी को उत्तर आप जो दे रहे हैं जी, हमारी जो है रणनीति का हिस्सा है जी, और रणनीति की चर्चा सड़कों पे अपन नहीं कर सकते, अच्छा अच्छा उसको रखिएगा पर कुछ तो बता दीजिए, कुछ भी जो खुला है इसमें कुछ चर्चा नहीं है, नहीं 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं इसको तो बता दीजिए, 4 क्षेत्र है हमारे, हमने उनको बांधा है, एक जो है निमाड़ से है, एक मालवा से है, एक बुंदेलखंड से है, एक जो है चंबल से है,
ये हमने जो है हमारे क्षेत्रों को हमने जो है संगठित कर दिया छोड़ दिया और नेता प्रतिपक्ष दे दिया। नेता प्रतिपक्ष है जी, विंध्य प्रदेश से एक हमने जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे दिया है जी, चंबल से हमारा जो है मुख्य कैंपेनर है और जो है महाकौशल से हमारा अध्यक्ष है। तो सारी ये ये आज तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अब इसमें कोई चीज कहने की आप तो हमसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति हैं। कौन आप तो आप नहीं, तो नहीं। समझने की अवधेश जी, अवधेश जी भी विद्वान है, वो तो मजे ले रहे हैं तो अभी उनको आज मजे का दिन है। सामने को चार तरफ से हम विद्वान नहीं है, विद्वान लोग टिप्पणी करते हैं, विद्वान लोगों से सवाल होते हैं, हम तो आपके सामने खड़े हुए हैं, हम तो आपकी बात सुन करके आपको दोहरा रहे हैं। भूपेन जी खैर ये सवाल उत्तर जरूर दीजिएगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या कमलनाथ जी का इसी तरह दौरा कार्यक्रम दिल्ली से ही आता रहेगा या यहाँ पीसीसी से निकलेगा। आप तो आपको मैं अपनी बात तो इसमें समाप्त, अभी तक आपके प्रदेश अध्यक्ष का दौरा कार्यक्रम दिल्ली से आया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो है इस प्रदेश की जनता के नाम पर जो वक्तव्य है जी वो पूरी जो है हमारी कंप्लीट, पूरा मत पढ़िएगा, छोटा चार लाइन है जी जी। मेरा संबंध न डंपर से है न रेत से है जी, मेरा संबंध न शराब से है न सट्टे से है जी। इतने बड़े राजनीतिक जीवन में आज तक मेरे ऊपर एक भी कोर्ट केस नहीं है जी। कभी किसी कांग्रेसी को मेरी वजह से नीचा नहीं देखना पड़ा है न देखना पड़ेगा जी। इस व्यक्तित्व और इस पर्सनालिटी के साथ और एक विकास की पूरी रूपरेखा एक मॉडल लेकर कि कैसा मध्य प्रदेश होगा 5 साल बाद अगर हमारी सरकार आती है, इसके साथ हम मैदान में उतरेंगे। और तब ये जो फर्जी विकासवाद की बातें पिछले 14 साल से करके लोगों को जो झांसे दिए गए हैं उसको हम तार तार होते देखेंगे अभी 1 साल के अंदर। और ये आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुख्य मुद्दा विकास है, ये बताना पड़ेगा आपको कि 15 साल से जिस जो इस प्रदेश में जिस जिले से एक प्रधानमंत्री पैदा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी, जिस जिले से जो है दो विदेश मंत्री दो बार भारत की मध्य प्रदेश की जनता ने दिया, और जिस जिले से जो है एक मुख्यमंत्री 14 साल से राज कर रहा है इस प्रदेश के ऊपर, उसका जिला देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है, उसकी पार्टी के प्रधानमंत्री को आके यहाँ बोलना पड़ता है क्या कि तुम्हारे यहाँ कोई अलग से सर्वे की व्यवस्था कराई जाएगी? राज्यपाल जी को इस पर जो है आशंका व्यक्त करनी पड़ती है कि नीचे तक जो है योजनाएं क्यों नहीं जा रही है। ये जवाब सामने आमने खड़ी होगी ये बात कि आप बताइए कौन से विकास की चर्चा आप 14 साल से बना रहे हैं। विदिशा को किस मामले में पिछड़ा बताया है आप बताएं? स्वास्थ्य चिकित्सा के मामले में, शिक्षा के मामले में, दो मामलों में पिछड़ा बताया है। ये छोटे मामले हैं, मामले तो बहुत सारे हो, तो फिर ये छोटे मामले हैं। ये एक सड़क नहीं बनी, एक सड़क नहीं बनी वहाँ जी, जो विदेश मंत्रालय ने वहाँ पर दो फैक्ट्रियां घोषित की थी आज से 8 साल पहले, एक भी बन गई हो, ईंट भी पत्थर दिख रहा हो तो बता दें आप। उन्होंने जिस गांव को गोद लिया था अगर उस गांव में वो एक बार गई हो तो आप बता दें आप। ये सारे सवाल हैं आपके, हमारी गुना का भी पिछड़ा जो 10 पिछड़े जिले मध्य प्रदेश में है उनका भी नाम है गुना का, तो आने दो वहाँ भी चिकित्सा उसका हम जवाब देंगे, और उस रोजगार उसका हम जवाब देंगे कि जो केंद्र सरकार के हत्ते के काम थे वो कितने हुए और जो प्रदेश सरकार के हत्ते के काम है वो क्या हुआ, उसका हम देंगे जवाब। आने दीजिए मैदान में बातें, मतलब क्या जो सरकार सेंट के राज्य सरकार के करने के काम है वो केंद्र सरकार थोड़ी कर लेगी। सौमित्र जी आपने कहा कि विकास ये मुद्दा रहेगा ना आपका, सौमित्र जी देखिए हमने इसलिए कहा है, दर्शक लगातार जब भी कोई हम डिस्कशन करते हैं जो दर्शकों के सवाल आते हैं 90% वो ठीक है चंद्रप्रकाश जी पे भूपेन जी आरोप लगाए उनका मुद्दा हम छोड़ देते हैं, यही होता है। मैंने चंद्रप्रकाश जी कौन सा आरोप लगाया, धसवा मत आ रहा मैंने चंद्रप्रकाश जी ही बताया, उनपे तो लगाया कि वो संघ के आदमी, वो तो पक्का है, वो तो सवाल ही नहीं करता। जब भी ये होता है सौमित्र जी विकास, अभी आपके सामने एक बिलासपुर से भी बोले वहां भी बीजेपी सरकार है कि सड़कें तो बनी नहीं है, विकास का है कि लोग कहते हैं पानी है नहीं, जल संकट त्राय त्राय कर रहे हैं लोग, विकास के किसान लगातार कर रहा है, लगातार बोल रहे हैं कि भावांतर भुगतान हमने कर दिया है, उनके खातों में पहुंच गया है, 1.5 किलोमीटर की लाइन लगी है, बैंक में पैसा नहीं, ऐसे इन सब हालातों में आप कैसे चौथी बार सत्ता में आने का सपना दिख रहे हैं? देखिए त्रिपाठी जी सब बातों के बावजूद
देखिए विकास जो डेवलपमेंट है वो एक प्रक्रिया होती है, कभी ऐसा नहीं होता कि ये खत्म हो गया है अब तो सब बंद कर दीजिए, ये तो फिर सरकारों का, राजनीतिक दलों का, हम लोग जो सारा काम कर रहे हैं उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया होती है, जैसे आप सड़कें बनाने का काम करते हैं तो आप टारगेट लेते हैं कि 8 महीने में सड़कें 200 किलोमीटर बन जाएंगी। सड़कें बनाने का प्रकार मत बताइए, आप जो उसी दर्शक की बात कह रहा हूँ जी। तो हो सकता है उसमें जो जितना टारगेट होगा 8 महीने में नहीं बना, 10 महीने में बढ़ेगा, किसी कारण से दिक्कत होती है, परियोजनाएं लंबित होती हैं, थोड़ा समय ज्यादा लगता है, कई बार जल्दी भी बन जाती हैं। आप जब उमा जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने टारगेट दिया था यहाँ भोपाल से लेके सागर तक की सड़कें 100 दिन में बना, हाँ, और वो यात्रा करके देखिए, और हो सकता है वहाँ कुछ कमी होगी, तो कमी होगी तो अच्छा, उन्होंने उन्हें हटा दिया। परेशान है वो, चाहे हटाए चाहे रखे, ये कह रहा हूँ मैंने एक उदाहरण दिया है। ऐसे छत्तीसगढ़ में जो सड़कें हैं, अच्छा दर्शक ने ध्यान दिलाया तो उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, थोड़ा वहाँ के जो अधिकारी हैं बाकी लोग उनको टाइट करेंगे, भैया टारगेट समय में काम पूरा 14 साल हो गए टाइट करते। ना ना ना, देखिए फिर वो 14 साल के हाईवे की बात कह रहे थे, नेशनल हाईवे पे टांग रहे थे, खुद ही जो है टाइट हो गए। अब आप नेशनल टांग रहे थे, उल्टा टांग रहे थे, क्या क्या तो कर रहे थे, सब सब फेल फेल हो। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, सब होने के बाद भी विकास, भले विकास को कांग्रेस पागल करार दे, तो हमारा विकास और कांग्रेस का पागल, ये दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, दोनों के बीच में भिड़ंत होगी और देखते कौन जीतता है। वो हमने हमेशा डेवलपमेंट की बात की है, विकास की बात की है और सुशासन गुड गवर्नेंस की बात की है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और चुनाव भी उसी मुद्दे पर होगा। कांग्रेस चाहे जाति की बात करे, चाहे सांप्रदायिक, आप तो समरसता में भी जो है दलित साधुओं को ढूंढ रहे हो, आप ये सारे धंधे कर रहे हो, इसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। ये आपका पाखंड है, ये कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस ये काम कभी नहीं करती। आपने तो साधुओं तक में दलित ढूंढने चालू कर दिए, आपने क्या किया था सिंहस्थ में, आपने चांदी के बर्तनों में खाना खाया, वो नीचे बैठ के वाल्मीकि समाज के गुरु लोग खाना खा रहे थे, आपने क्या पाखंड की रचना, आपने सब काम किया है और उसके आरोप आप कांग्रेस पे मारते हैं। कांग्रेस समय समाप्त हो रहा है, अनिल श्रीवास्तव जी बहुत संक्षेप में टिप्पणी जानना चाहेंगे। मैंने खुद देखा है 2013 में जो चुनाव हुआ था, वो यहाँ जो मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी सफलता बीजेपी को मिली, उसमें बहुत बड़ा कारण केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार यानी भ्रष्टाचार का मुद्दा यूपीए की सरकार थी बहुत बड़ा था और उस मुद्दे पर यहाँ असर पड़ा था, मोदी जी का भी असर पड़ा था। अब क्या ये असर पड़ेगा उल्टा, क्योंकि केंद्र में इन्हीं की सरकार है? देखिए त्रिपाठी जी, आज भी स्थिति ये है कि अब मध्य प्रदेश सरकार ये नहीं कह पाएगी कि केंद्र सरकार हमारे काम रोकती है, क्योंकि वहां पर भी उनकी सरकार है। भ्रष्टाचार के मुद्दे कल भी वो जो थे वो भी आज, जितनों पे इन्हें भ्रष्टाचार के मुद्दे मतलब केस फाइल किए थे वो सब बरी होकर बाहर खड़े हो गए, यानी कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात ये है, इनके लोगों ने माफी मांगी भ्रष्टाचार के मुकदमों में, भाई पटवा जी ने माफी मांगी, उमा जी ने माफी मांगी कि हमने गलती से कह दिया था भ्रष्टाचारी, दिग्विजय सिंह जी से माफी लिखित में मांगी। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार अगर अपनी जीत का चौका लगाना है तो काफी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ जो है मालवा है, और मालवा ही इस समय उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, क्योंकि वहां सारे किसान नाराज हैं, सारे दलित नाराज हैं, स्थिति इतनी है कि ब्यूरोक्रेट से कमान कस नहीं जा रहे, उल्टे सीधे बयान में आ रहे हैं, और ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुसीबत बनने वाली है। इसके बाद भी भार्गव जी जीतेगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी इसलिए जीतेगी कि कांग्रेस ने तो छत्रप बना दिए हैं, अब बीजेपी को चाहिए कि ये भी अपने छत्रप बनाए, छत्रप तैयार करे, जैसे अभी अनिल जी ने कहा मालवा अन्य तभी जीत पाएंगे। दूसरी बात, 6 करोड़ पौधे जैसे लगे थे नर्मदा यात्रा के दौरान, तो ऐसा विकास नहीं होना चाहिए, जनता ये तो सब समझती है। अब स्थिति क्या है, ये इसमें घपला हुआ ये है कि कांग्रेस चूंकि पूरी तरह गुस्से को भुना नहीं पा रही है, कांग्रेस के दौरे दिल्ली से बन के आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को सीधा दिशा निर्देश नहीं है, और 4 छत्रप सामियाने को संभाले हुए हैं, उसमें 1 छत्रप ध्वज का काम कर रहा है, 1 बीच के पोल का काम कर रहा है ग्वालियर का, ठीक है ना, तो और टिकट वो बांटेंगे, तो इनमें दुर्दम पैदार होना निश्चित है और ये गुस्से को नहीं भुना पाएंगे, इसलिए बीजेपी जीतेगी, कुल मिलाकर जीतेगी, भले केंद्र की सरकार से भी नाराजी हो। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव जी आपका, अनिल श्रीवास्तव जी आपका, सौमित्र जी आपका और गुप्ता जी आपका। तो आज की चर्चा का फलसफा रहा कि मध्य प्रदेश में चौथी बार सत्ता का स्वाद चखने के लिए बीजेपी
आला कमान को कुछ कड़े फैसले लेने पड़े। साथ ही सरकार और संगठन की उपेक्षा का शिकार चल रहे कार्यकर्ताओं को एकजुट करना होगा। इसके साथ ही टिकट बंटवारे में भी हाई कमान को योग्य उम्मीदवार चुनना होगा ताकि लोगों का भरोसा भी जीता जा सके, जबकि सत्ता में वापसी करने के लिए सरकार के मंत्रियों और विधायकों को अपने अहम को छोड़कर क्षेत्र की जनता की उम्मीदों को पूरा करना होगा। तो दूसरी तरफ भले ही कमलनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष पद का संभाल लिया हो, लेकिन सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए उन्हें भी दुर्गम रास्तों से गुजरना होगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवाल के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।